पाबंदी सरासल रखा, आपने हाई कोर्ट का फुल बेंच का फैसला पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ, फैक्चुअल बात करता हूँ, इनकी तरह इल्ज़ाम तराशी नहीं करता। उन्होंने कहा कि करप्शन का तो इल्ज़ाम ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ सबूत नहीं है, और मामला यहीं ही रुका। 21 माह बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जो एक मायनाज एजेंसी है, उसने अकाउंट फ्रीज रखे। यहाँ सर बड़े बड़े अपना जो है ना वो सबूत के कागजात वहाँ भिजवाए गए, खतो खिताबत की गई वजीर आजम ऑफिस से, और कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप तहकीकात करें। हम बड़े खताकार हैं, अल्लाह से बड़ी आजी से कहता हूँ, 21 माह की तहकीकात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की शवाहद नहीं मिले।